सुबह का टाइम है और अभी सभी सो रहे हैं। अरे आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तुम लोग जल्दी से जग जाओ। अरे तुम लोग जल्दी से जग जाओ, आज बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे सुन रही हो तुम लोग? अरे चाची कभी तो हम लोगों को चैन से सोने दीजिए, सुबह सुबह जगाने लगती है। अरे पायल जल्दी से जग जाओ, तुम्हारे सर पर चींटी चल रहे हैं, तुम्हें काट लेंगे। पायल जल्दी उठो। क्या क्या क्या, चींटी कहाँ है, चींटी कहाँ है, चींटी? मुझे चींटी से बहुत ज्यादा डर लगता है गीता दीदी। अरे पायल मैं मजाक कर रही थी, कोई चींटी नहीं था तुम्हारे सर पे, तुम्हें जगने के लिए मैं ऐसा बोली। गीता दीदी आप ऐसा मजाक कभी मत कीजिएगा, मुझे चींटियों से काफी ज्यादा डर लगता है। अरे पायल आज तुम्हारा भाई बंटी आ रहा है, इसलिए तुम जल्दी से मार्केट जाकर राखी लेकर आओ। अरे वाह आज मेरा छोटा भाई बंटी आ रहा है, मम्मी जल्दी से पैसे लाइए, मैं मार्केट जा रही हूँ राखियाँ लेने। हाँ पायल ये पर्स ले जाओ, इसी में पैसे रखे हुए हैं। ठीक है मम्मी लाइए। गीता दीदी आप भी चलिए ना, मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लगेगा। अरे पायल तुम स्कूटी से मार्केट चली जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी। वैसे भी तो आज मुझे घर सजाना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी पायल। अरे मायरा हर्ष तुम लोग जल्दी से जग जाओ, आज रक्षाबंधन है, तुम लोगों को नहाना भी होगा। पापा पापा मुझे सुसु लगी है। अरे हर्ष तुम मुझे क्या कह रहे हो, बगल में टॉयलेट है वहाँ चले जाओ, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना जाऊंगा अब। अरे मैं जल्दी जाता हूँ, अब तो मुझे छींची भी लगने लगी है। अब चलती हूँ गीता दीदी। पायल थोड़ा जल्दी आना, तब तक मैं घर सजाती हूँ। ठीक है गीता दीदी। गीता गीता वो वाला फूल देना जरा। हाँ हाँ मैं अभी देती हूँ, रुक जाइए। ये लीजिए। हाँ हाँ गीता रहने दो, मैं ले लिया हूँ। अब जाके घर अच्छा लग रहा है। अरे अब छिछी लग गई। पापा जल्दी पानी लेकर आइए, टॉयलेट में पानी नहीं है। मैं बहुत दिनों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो खूब सारी शरारतें करता था। प्रणाम मम्मी मैं आ गया। खुश रहो बंटी, खुश रहो। प्रणाम गीता दीदी। जुग जुग जियो बंटी, जुग जुग जियो। अरे बंटी तुम कितना सियाना हो गया है। हाँ दीदी वो तो है। अरे मीना चाची कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? अरे तुम्हारी मीना चाची मायके चली गई है अपने भाई को राखी बांधने। ओ अच्छा तो कोई बात नहीं, पर पायल दीदी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही, कहीं छुप गई है क्या? नहीं नहीं बंटी पायल मार्केट गई है, अब वो आती ही होंगी। अच्छा कोई बात नहीं, आने दीजिए दीदी को, फिर मैं सताऊंगा। हाँ हाँ बंटी हाँ हाँ। प्रणाम जीजा जी। अरे तुम आ गए बंटी, चलो तुम्हारा ही इंतजार था, चलो आओ यहाँ पर बैठो। मम्मी बैलगाड़ी पर मिठाई का डब्बा है, आप रख लीजिए। अरे वाह मामा जी आप आ गए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं मामा जी, जल्दी बताइए। अरे तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ और बिस्किट भी। रुको अभी मैं तुम्हें बिस्किट देता हूँ। अरे मेरा बंटी भाई आ गया। प्रणाम दीदी। अरे खुश रहो बंटी, खुश रहो। अब राखी बांधने का भी समय हो गया है, मैं अभी थाल लेकर आती हूँ।
बंटी, तुम तो कुछ भूल रहा है। हाँ हाँ दीदी, तुम्हें तो बस ये मिठाई खानी है, तुम ये मिठाई खाओ। अरे नहीं बंटी, तुम कुछ भूल रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे। ये लीजिए दीदी। हाँ हाँ बंटी, मुझे यही तो चाहिए था। वाह, मुझे तो पूरे 500 रुपए मिले हैं। अब मैं इसका एक ड्रेस लूंगी। अरे मायरा, तुम अच्छे से हर्ष को राखी बांध दो। हाँ मम्मी, पहले तिलक लगा देती हूँ हर्ष भैया को। हर्ष भैया, हर्ष भैया, मुझे भी पैसे चाहिए। पायल दीदी को तो पैसे मिले हैं, वो भी 500। अरे मायरा, वो तो बड़े है ना, मैं तो बच्चा हूँ, कहाँ से पैसे लाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट खरीद के दे दूंगा। पापा पापा, हर्ष भैया मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, पर मुझे पैसे चाहिए पापा। अरे मायरा, तुम पैसों का क्या करोगी, तुम्हें बताओ क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगी। मुझे साइकिल चाहिए मम्मी। अच्छा, तो तुम्हें साइकिल के लिए पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम जिद मत करो मायरा। चलो मायरा, हम दोनों मिलकर खाते हैं, मामा हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये हाँ भैया, चलिए मिलकर खाते हैं।